क्या दोस्तों आपने भी अपनी वीडियो को प्राइवेट में अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, बट अब आप चाहते हैं कि उस वीडियो को हम पब्लिक करें, लेकिन अब आपको ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, वो सेटिंग ही नहीं पता कि हम अब इस वीडियो को पब्लिश करें तो करें कैसे। तो आप चिंता मत करिए, बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी एक प्राइवेट वीडियो को पब्लिक कर सकते हो। अगर बाय मिस्टेक कभी कोई ऐसा वीडियो आपने अपलोड कर दिया जो कि अब आप उसे प्राइवेट करना चाहते हो पब्लिक से, तो वो भी तरीका हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको ओपन कर लेना है अपना यूट्यूब एप्लीकेशन। जैसे ही एप्लीकेशन करेंगे तब हमें नीचे की तरफ मिल जाएगा हमारे चैनल का लोगो जो भी हमने लगा रखा है। तो हम सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ऊपर हमारे चैनल का नाम जो बड़े बड़े अक्षर में लिखकर आ रहा है, यहाँ पर व्यू चैनल का ऑप्शन हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर होम सेक्शन में आ गए हम, तो हमें करना है वीडियो पर क्लिक। अगर आपका लॉन्ग वीडियो है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, अगर शॉर्ट है तो यहाँ पर शॉर्ट में क्लिक कर लेना है। इस तरीके से तो हम यहाँ पर लॉन्ग वीडियो है तो यहीं पर रहने वाले हैं, तो देखेंगे हमारा ये वीडियो प्राइवेट है जो कि यहाँ पर आ रहा है। अगर आपका वीडियो यहाँ पर नहीं आ रहा है तो हम आपको एक दूसरा ऑप्शन और बता दे रहे हैं, आप वहाँ से आ जाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आ गए तब आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा योर वीडियो का, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो देखो यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन मिल रहा है हमें, शॉर्ट का मिल रहा है और लाइव का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, अगर आपने लाइव किया है वो भी आपका प्राइवेट है, जैसा कि हमारा यहाँ पर प्राइवेट है, उसे पब्लिक करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पर वीडियो के बारे में बात करते हैं। हमने यहाँ वीडियो पर क्लिक किया और यहाँ पर ये सेकेंड वाला जो वीडियो है ये हमारा प्राइवेट है, अब हम इसे पब्लिक करने वाले हैं। तो अब इसे हमें करना है पब्लिक, तो यहाँ पर देखो थ्री डॉट दिखाई दे रहे हैं, सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं देना है, हमें यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पर देखो कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, टाइटल वगैरह एडिट भी कर सकते हैं हम। हमें यहाँ पर विजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर देखेंगे इस वाले पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब हम यहाँ पर डायरेक्टली पब्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर हम पब्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब हमें पीछे जो एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखो हमें मिल गया है सेव का ऑप्शन, तो हम सिंपल यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और ये हमारा वीडियो पब्लिक हो जाएगा इस तरीके से। और दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बाइटी स्टूडियो एप्लीकेशन, जिसे ज़्यादातर यूट्यूबर यूज ही करते हैं, हम भी यूज करते हैं, तो सिंपल आपके फ़ोन में अगर नहीं है तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी जो दुनिया भर की यूट्यूब चैनल की सेटिंग है वो यहीं से हो जाती है। कोई भी वीडियो आपको पब्लिक से प्राइवेट या प्राइवेट से पब्लिक करना है तो यहाँ पर देखो सीधे डैशबोर्ड का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ से आपको कंटेंट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। अब यहाँ पर अगर कोई वीडियो ये मान लीजिए ये वाला है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस पर और ये अभी तो पब्लिक है तो हमें यहाँ पेंसिल पर क्लिक करना है। अगर भले ही ये प्राइवेट होता तो हम यहाँ से इसके सारे चेंजेस कर सकते थे। यहाँ पर देखो विजिबिलिटी इसकी पब्लिक है और यहाँ से हम चाहें तो अनलिस्ट या प्राइवेट कुछ भी इसमें सेटिंग हम कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन जो भी लगाना चाहें बाइटी स्टूडियो एप्लीकेशन से लगा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है और चैनल पर पहली बार भी आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को साथ में लाइक कर ही देना। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।